सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने कोरोना से हुए शिक्षकों की मौत के बाद उनके परिजनों को विभाग में नौकरी देने के संबंध में चर्चा की गई। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव ने कोरोना के कारण हुए शिक्षकों की मौत के बाद प्रदेश सरकार द्वारा उनके परिजनों को नौकरी और आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए संबंधित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें अविलंब शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। अच्छा, दूसरा ये आपका भुगतान भी बहुत कम हुआ है, पूरे काम भी जीरो है और पारिवारिक पेंशन भी जीरो है। भुगतान सर सारे आज तक सारे सब भेज दिए सर। तो इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? रिपोर्ट सर 2-3 दिन में हम दे देंगे सर। सर ये रिपोर्ट रात तक जो जिन लोगों ने भेजा है उसकी कंपाइल करके आपकी सेवा में भेजी गई है। रिपोर्टिंग ये अभी हम लोग आज कंपाइल करेंगे। हाँ सर। हाँ जी। दूसरा सर एक अनुरोध ये था सर कि मतलब विनम्रता पूर्वक ये अनुरोध करेंगे कि जो है वो प्रतिदिन बीसी किए जाने से हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग प्रोग्रेस भी उतनी अच्छी नहीं दिखा पा रहे हैं। सर करने से तो हमारे काफी अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी। सप्ताही तो हो रही सर, विरोध भी करना चाहिए इसको मैक्सिमम हमारी समझ से थर्सडे रख लीजिए। इसकी रिपोर्टिंग जो है हमको एक बार थर्सडे तक आ जानी चाहिए, फ्राइडे को मगर एक बार ये रिपोर्ट आ जाए प्रगति हमारी क्या हो रही है, एक रिपोर्ट हमको आ जाए।